वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन, इसमें अगर आप जो है कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए इसकी फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो अबाउट के अंदर हम इसकी रैम, मेमोरी और स्टोरेज जो है वो सब चेक कर लेते थे, लेकिन अब जो है इसकी रैम मेमोरी जो शो का ऑप्शन है वो दूसरे ऑप्शन पे दे दिया है। तो आपको स्टेप फॉलो करें और अपने फ़ोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक कर सकते हैं। ये सेटिंग का आइकन है, आपको सेटिंग के आइकन पे टच करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है यहाँ पे नीचे आ रहा है डिवाइस केयर में, बैटरी एंड डिवाइस केयर, इस पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी रैम मेमोरी शो हो जाएगी। अभी मैंने इस पे टच कर दिया है तो यहाँ पे देखेंगे आप इसकी स्टोरेज जो दिखा रहा है, ये 128 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है और इसमें जो मेमोरी रैम दी गई है वो 6 GB तक इसमें सपोर्ट है। इसके बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अभी क्या बोलते हैं सिचुएशन है वो गुड बता रहा है, अभी बहुत अच्छी हेल्थ हुई हो रखी है फ़ोन की, इसमें कोई भी पार्ट्स अभी इसके ख़राब नहीं है, तो वो चीज़ आपको वहाँ बता रहा है, ठीक है। अब हम इसकी कैमरे की क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है। हमने फुल ब्राइटनेस कर रखा है, ये हमने कैमरा ऑन किया है, ये देखिए ये इसका सेल्फ़ी कैमरा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेल्फ़ी कैमरा है इसका। अब हम बैक साइड का कैमरा ओपन करेंगे, ये देखें तो इसमें जो है आप जब जूम करेंगे तो इसमें जूमिंग ऑप्शन पे ये देखें, ये जूमिंग ऑप्शन पे क्लियरिटी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा जब दूर होगा ऑप्शन तब आपको थोड़ा सा ब्लरिंग का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, इतना खास जूम नहीं होता, लेकिन आप जब नॉर्मल पॉइंट पे आप इसको शूट करेंगे तो बहुत अच्छी क्लियरिटी देगा आपको, ठीक है। तो कैमरे के हिसाब से फ़ोन बढ़िया है। और अगर गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।